बाकी देखो आप लोगों से कुछ भी कहेंगे हम करोगे तो अपने मन की, ठीक है। तो लेकिन अब फिर भी एक छोटी सी बात हमारी मान लीजिएगा, नंबर वन कि कभी भी जब आप घर पे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको चश्मा नहीं लगाना है, ठीक है। दूसरी बात, आप अगर घर पे हैं और आपको अगर कुछ देखना है, ठीक है, देखने का मतलब क्या है कि ध्यान दे के पढ़ना है या कुछ करना है, तो आप नॉर्मली करते क्या है कि आप ऐसे आईज को स्क्वीज कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात ये हो गई कि आपको अपनी आईज को स्क्वीज नहीं करना है। अब आ जाती है आपकी जो है तीसरी बात। तीसरी बात क्या करते हैं कि हम लोग जनरली घर पे क्या करते हैं कि लेट के पढ़ते हैं, तो हमको लेट के नहीं पढ़ना है। प्रॉपर सिटिंग पोस्चर, टेबल है तो टेबल पे, नहीं तो प्रॉपर बैठ के, ठीक है, आपको पढ़ना है। अब कौन सी बात हो गई, पांचवी, चौथी, गर्दन टेढ़ी करके नहीं करना है, पढ़ना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो आंखें हैं, दोनों के अलाइनमेंट आउट हो जाते हैं। पता है आपको, जब आप गर्दन टेढ़ी करके ऐसे देखते हैं तो एक आंख ज्यादा देखती है, एक आंख बेचारी कम देखती है। तो इस केस में क्या है कि गर्दन टेढ़ी करके जो है आपको नहीं देखना है। चौथी बात हो गई, पांचवी बात। अच्छा, इन गर्दन टेढ़ी करने से होता क्या है कि आपने देखा होगा जैसे कि आपकी एक आंख में तो एक नंबर है और दूसरी में डेढ़ नंबर है, ठीक है। तो ये इसी वजह से होता है कि आप जो है अपना सेटिंग पोस्चर या आपने जो अपना देखने की जो टेक्निक है आपकी जो है वो आपने सही नहीं रखी है, ठीक है। तो दोनों आंखों में अलग अलग नंबर होने की वजह असली यही है, ठीक है। अच्छा, अब कौन सी बात आती है आपकी, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने अभी तो देखा है कि बच्चे जो है मोस्टली मोबाइल पे लगे रहते हैं। पेरेंट्स चाहे कितना भी बोलते हैं उनकी समझ में आता नहीं है जी, ठीक है। पेरेंट्स तो ये मान के चलिए कि वो उस समय अगर कुछ बोलते हैं ना अच्छा सा उनको, जैसे मतलब मेरे लिए तो अच्छा है, आप लोगों के लिए समझ में नहीं आता कि कैसा है, तो वो तो उस समय पे ये मान के चलो कि अपने कान में जैसे उंगली डाल के अपना जो है वो बैठ जाते हैं, वो बक रहे हैं बकने हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटा मोबाइल मत देखो। लेकिन आजकल एक चीज़ और बहुत बड़ी हो गई, बेचारा लॉकडाउन के बाद में तो ऐसी कंडीशन हो गई, पेरेंट्स बेचारे इतने परेशान, बोलते कि यार हमें तो मजबूरी में अपने बच्चों को मोबाइल देना पड़ गया है, अब हम क्या करें। बच्चे मोबाइल की जगह पे टिकटॉक देख रहे हैं, कभी कोई वो जो भी अपना शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं अपना पूरे दिन, ठीक है। तो वो एक चीज़ अलग है, लेकिन उस चीज़ को भी अगर आप देख रहे हो तो कोशिश ये करो कि अपनी जो गर्दन जो है आप टेढ़ी करके नहीं देखो। अब बात आ जाती है आपकी पांचवी। पांचवी क्या है कि घर में बैठे बैठे पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले छत पे सोते थे। कहाँ सोते थे? छत पे। छत पे चांद से तारे देखा करते थे, ध्रुव तारा, बहुत सारी चीजें हैं, सप्तऋषि मंडल वगैरह, ये सारी चीजें आजकल बच्चे किताब में पढ़ते हैं, असलियत में आसमान में देखते नहीं हैं। फ्लैट्स में रहते हैं, 10 बाई 10 का कमरा है, किसी का 9 बाई 9 का कमरा है, तो आंखें वहां के हिसाब से एडजस्ट हो जाती हैं, आप 10 फीट से ज्यादा देख नहीं पाते हैं। आंखों का एक्चुअल में जो देखने का जो प्रॉपर जो क्या है कि इन्फिनिटी तक देखना होता है, क्षितिज जहाँ होता है वहाँ तक वो देख सकती हैं, ठीक है। चांद को देख सकती हैं, सितारों को देख सकती हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं जो कि आपके 8 फुट के 10 फिट के कमरे पर लगी हुई है, गलत है ना। अरे कितने घंटे आप आउटडोर एक्टिविटीज करो, खेलो कूदो, अपना पार्क में जाओ। और पेरेंट्स को सबसे बड़ी चीज़ ये करनी चाहिए, बहुत बड़ा मतलब इरेस्पॉन्सिबल तो नहीं कहेंगे हम लोग, क्योंकि पेरेंट्स के पास में आजकल टाइम नहीं है, भाई मम्मी को पापा को दोनों को काम करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए इतने समय में से थोड़ा सा अगर आप 10 मिनट या आधा घंटे का अगर समय निकाल लेते हैं और आउटडोर उनको बच्चों को ले जाते हैं कि भाई चलो प्ले ग्राउंड में चलते हैं, ठीक है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि बच्चे जो 10 बाई 10 के कमरे से अलग हटके अपना जो है उसका जो एरिया जो है ना वो बहुत वाइड हो जाता है और वहां देखता है, तो उसकी आंखों को एक्चुअल में क्या होगा, रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। तो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात यह है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, तीसरी और अब आपकी आ जाती है आपकी सबसे जो छठी वाली बात कह सकते हैं हम लोग जो, हमको करना क्या है इन सब चीजों को अगर हम करते हैं, और छठी वाली चीज अगर हम जो है ये करते हैं, अब छठी वाली चीज जो लास्ट
तो नहीं है, सेकंड लास्ट है, एक और बताऊंगा, तो 7 टिप्स हो जाएंगी। इनको करने के बाद में आप देखेंगे 6 महीने के अंदर, देख लीजिएगा, आपका नंबर 1 इंच नहीं बढ़ेगा, कहने का मतलब 0.25 भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है, अगर आपने ये रेगुलर अगर ये एक्टिविटीज अगर जो की और इन बातों का ध्यान दिया तो। कौन सी वाली बात है, उससे पहले सब्सक्राइब तो कर दीजिए प्लीज़ मेरा चैनल, ठीक है, कोई बात नहीं, मत कीजिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग कोई बात नहीं, ठीक है, और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा, अब की बार मैं विजुलाइज वाली बनाऊँगा आप लोगों के लिए, और बहुत सारी, मैं इतने टाइम तक आपके सामने नहीं आया हूँ, वो इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं आपके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, और वो एक्सपेरिमेंट्स ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं कि आप लोग अगर उन एक्सपेरिमेंट्स को अगर घर पर करोगे, ठीक है, बहुत छोटी सी जगह चाहिए उसके लिए, आपका 9x9 या 8x8 10x10 का कमरा चाहिए खाली जो है, ठीक है, उसमें उन एक्सपेरिमेंट्स को आप कर पाएंगे सही से। तो छठी वाली बात कहाँ से आ रही थी, छठी वाली बात क्या है कि आपको आईज बंद करके इमेजिन करना है, ठीक है, आईज बंद करके इमेजिन करना है, अपनी आईज को घुमाना है इधर इधर ऊपर नीचे। अच्छा एक चीज़ और है, देखिए इधर साइड में आप कोशिश करेंगे बैग में राउंड बनाएं, आंखों को इधर ले जाएं, आप कोशिश करें कि आप जो है आंख के पीछे यहाँ पे देखें, ठीक है, इधर से लेते हुए इधर की आंखें घुमाओ ऐसे यहाँ, और इस उंगली को ले लो आप यहाँ पे, ठीक है, इस उंगली को लो, अब यहाँ आपने यहाँ तक देखी, इसके बाद में उस उंगली को फील करो कि ये पीछे जा रही है, गुड, बैक साइड में पहुंच गई आपकी इमेजिनेशन है, ठीक है, यहाँ पे आपकी आंख है, ठीक है, ऊपर फील कर रहे हैं, और ऊपर और ऊपर और ऊपर ऊपर, छत पे पंखा इमेजिन कर रहे हैं, ऊपर फैन लगा हुआ है, हाँ 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 फैन चल रहा है, आपको दिख रहा है, इमेजिन कर रहे हैं सारा, ठीक है, और वो पंखा भी धीरे 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 क्या कर रहा है, आपके सर के पीछे आ गया है, उसके साथ में अपनी आंखों को पीछे की तरफ लेके जाना है, इमेजिन करना है कि वो पंखा कहाँ कहाँ घूम रहा है, ठीक है, अपनी फिंगर को दूसरे वाले हाथ से इधर लेके जाएंगे, आप इसको पीछे करेंगे, यहाँ पे फील करेंगे उसको, इमेजिन करेंगे कि वो मैं वहाँ देख रहा हूँ, इधर से और इधर से दोनों तरफ से ऐसे, और इमेजिन करेंगे पीछे, गर्दन सीधी रखेंगे, ठीक है, आंखें बंद करके इमेजिन करना है, ठीक है, ये चीज़ आप ये मान के चलिए अगर ये आप कर लेते हैं आईज क्लोज करके, तो आपकी आईज कुछ नहीं करने की जरूरत है। सबसे बड़ी एक्सरसाइज अगर दुनिया की अगर कोई है तो इमेजिनेशन है, वो भी आईज बंद करके, और अपने पीछे आगे ऊपर नीचे सारी जगह पे उसको रोटेट करो, और एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है इमेजिनेशन की, ठीक है, सर के पीछे तक जाओ बस, लेकिन आंखों को रोटेट करो आप जो है, ठीक है, मैक्सिमम कितना कर सकते हो पीछे की तरफ, और इमेजिन करके निकले यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख लो, फील कर लो कि भाई ये मेरे को यहाँ पे देखना है इसको, यहाँ से और ये पीछे करके लेके जाएंगे आप, ठीक है, इमेजिन करना है सिर्फ बैठ के आराम से। अब एक लास्ट, और लास्ट में लास्ट कह सकते हैं आप जो है, सबसे अच्छा है आपका जो है टिप्स, वो ये है, ध्यान से सुनिएगा, आपको गोल गोल घूमना है, ठीक है, आईज को ओपन करना है, 20 राउंड आप क्लॉकवाइज घूमेंगे और 20 राउंड आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, अपने दोनों पैरों पर हाथ आपने फुल ओपन कर लिए वाइड, ठीक है, और ऐसे करके आपको घूमना है राउंड 20 बार ऐसे, और आंखें खुलेंगी आपकी, खुली हुई होंगी, और आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट हैं उस ऑब्जेक्ट को देखना है घूमते हुए। आप अगर मान के चलिए क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे तो आपके साथ में जो ऑब्जेक्ट है जो दिख रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, उसको फील करना है, उसको देखना है, ठीक है, तो ये आपकी आईज को बहुत अच्छा बना देगा। बहुत लंबी वीडियो हो रही है, तो आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, और मैं कभी भी आपकी आंखों के बारे में गलत नहीं सोचूंगा, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज ढूंढ के लेके आ रहा हूँ मैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इतनी लंबी वीडियो।